हमारे बीच राहुल जी आए हैं, वो अपने परिवार के बीच में आए हैं, शहीदों के परिवार के बीच में आए हैं। ये भी देश के सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले परिवार से शामिल हैं। The time I switched to the news, first photo was that. जमीन का है, भूमि नहीं मिला हुआ। मैंने काफी कोशिश करी, दौड़ भाग भी करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम हमारे पति देश की खातिर खोए हैं। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही है कि इतना आड़ी किस बात है, सब लोग यही चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन। कुछ ना पूछो, हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया एकदम। बगल में गए तो देखा कि इनका फोटो भी आ रहा था। टीवी खोलते ही पांचवा नंबर उनका आ गया था। जांच क्यों नहीं कराई जाती है? जांच जब सब लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा खोट है। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? और फिर लड़के में वहां से निकला तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे और प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मीडिया दिखा रही है, तो पूरा ड्रामा, मतलब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। लाशें दो दिन बाद आई थी, प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था। जैसे ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर हमारे 40 जांबाज शहीद हुए, और ऑपरेशन कैसे हुआ, ये दुश्मन कैसे सक्सेसफुल हो गया हमारी एरिया में आकर ऑन रोड्स के ऊपर जहाँ एक पॉपुलेटेड एरिया है। इट वाज अ बिग सरप्राइज, फौज की व्हीकल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। जिस तरह से सतपाल मलिक जी ने कहा है, 5 जहाज अगर दिए जाते तो बाय रोड ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बड़ी कॉन्वॉय की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ी सी जो इतनी मूवमेंट है, नॉर्मली वेल रिहर्स्ड, वेल प्लान्ड, और साथ में जो उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं, हमारी ड्रिल्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए, तभी मूव होना चाहिए। नॉर्मली बहुत बड़ा कॉन्वॉय कभी नहीं चलाया जाता, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए बिग कॉन्वॉय, ये जरूरी था कि छोटा छोटा कॉन्वॉय करके 3 कॉन्वॉय भेजे। अगर रोड बंद थी स्नोफॉल के कारण, जिस दिन रोड खोली गई उस रोड की सैनिटाइजेशन सबसे करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हमें पता है कि वहां पे एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है। बाय ग्राउंड इंटेलिजेंस एंड बाय एयर इंटेलिजेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इतनी बड़ी मूव आपने प्लान करी है तो होती है। कोई भी गाड़ी अगर किसी एक्सप्लोजिव के साथ उस एरिया में आती है तो वो हमारी इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए। बहुत बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, एक्शनेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि कोई भी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि तो अगर हमने सारे ड्रिल्स को फॉलो किया जो टाइटल ड्रिल्स और ऑथराइज्ड ड्रिल्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। देखिए एयरलिफ्टिंग तो हर सिचुएशन में होता है, एज रिगार्ड्स खर्चे की बात है तो जहाज एयरफोर्स के हैं, जहाज बीएसएफ के हैं, लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एप्लीकेशन दे रहे हैं, कौन एप्लीकेशन को पूछ रहा? इसी गांव में समझ में आती है बात, ये तानाशाही है जी। सबसे बड़ी बात सर, अभी तक इसका कोई जांच नहीं हुआ सर, कैसे ये हादसा हुआ सर? तो किसी ना किसी का तो हाथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अचानक कोई बात हो जाए। 1540 लोग 300 लोग आगे कहाँ से आए, इतना बड़ा विस्फोट आया कहाँ से? इसके लिए कोई स्टडी की आज तक 5 साल हो गया, मैं इसी से विस्फोट में हूँ कि ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई। अरे किसी को एक गज प्लॉट नहीं मिल रहा, उसकी प्रतिमा नहीं बन रही, उसके द्वार नहीं बन रहे, स्मारक नहीं बन रहा, किसी स्कूल का नाम नहीं रखा जा रहा, जितने ये नेता मौज ले रहे, पब्लिक सांस ले रही, ये शहीदों की बदौलत ले रही है।
मान सम्मान से तो नहीं कुछ नहीं है। हमारे भाई साहब देश के इतना मान सम्मान किए हैं, अब इनका जो सम्मान जो मान हो रहा है हम देख रहे हैं ना। गुरु वाज द वन हु यूज्ड टू सपोर्ट देम, नाउ सर शी हैज गॉट वन यंग सन। गैर जवान है तो गैर किसान, अब जो जवान है तो हमारा भविष्य और हमारा बचपन। हम लोगों के सर 40 परिवारों के घर उजड़े हैं सर, हम लोग जैसे संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोगों का दिल जानता है, हमारे बच्चे जानते हैं समस्याएं जो झेल रहे हैं। कभी भी रोते थे आखिरी बार ही कहा तो बच्चों का ध्यान रखो। दो महीने की छुट्टी आते थे तो शायद मैं कभी किचन की तरफ जाके नहीं देखती थी, दोनों बच्चे और बेटी और पापा किचन में दिखाई देते थे, अपने पापा के साथ पापा की तरह नहीं रहते थे, भाई भाई रह रहे हैं या दोस्त रह रहे हैं। कितने साल की थी आप जब सैलरी थी आपकी? 20 साल थी। 10 बजे सुबह बात थी, बस ये कह रहे थे अच्छे से रहना, बच्चों को ध्यान रखना। लास्ट बात हमारी उनकी जम्मू तक हुई, बस जम्मू के बाद हमारी बात नहीं। शाम का टाइम था, 5-6 बजा हुआ, ऐसे ही मतलब न्यूज में आने लगा तो इनका नाम भी आ रहा था। कुछ लोगों का भी फोन आए कि ऐसे ऐसे हो गया है, अभी गए हुए हैं, क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हम रोए जा रहे थे। 11 बजे लिस्ट में जब नाम आया, लिस्ट में एकदम भेजी गई हम लोगों को उसमें, तब देखा जब तब फिर तेल सब लोग मीडिया आइडिया वाले इतनी भीड़ हो गई 11 बजे 10:30 बजे के लगभग, कुछ पूछो जो हमें तो यही लग रहा था कि सबे कुछ मेरा खो गया एकदम। साढ़े 4:45 का टाइम था, ये बच्चा मेरा छोटा था, मेरी लड़की का फोन आया था एयरपोर्ट से छोटे वाले लड़के के पास कि मम्मी को मत बताना विकास, एक बार तुम टीवी चला के देखो ऐसे ऐसे घटना हो। तो विकास ने टीवी खोली, टीवी खोलते ही 5वां नंबर उनका आ गया था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल फॉरवर्ड पार्क में शूटिंग करा रहा था अपने, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे, तो बोला नहीं नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इसको। फिर एक घंटे बाद ये डोभाल जो मेरा क्लास फेलो, तो इसका फोन आया सतपाल भाई आप बोल दी, मैं 2 चैनल को बोल चुका था ये बात, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना इस पर। पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आईपीएल शहीदों के नाम सारा पैसा प्रधानमंत्री के खाते में ही गया था, मगर हम लोगों को करीब 70-80 लाख रुपए पड़ रहा था एक एक शहीद के नाम। 5 दिन तक 70 रुपए नहीं मिले लोग। अब इतना आया कहाँ से, सोचने वाली बात है ना। जब तक ये चीज़ की जांच नहीं हो जाती तो हम तो ये कहेंगे कि भाई साजिश रही है, ऐसा इतना बड़ा नुकसान। हम लोग कहीं जाते हैं तो एक एक चीज़ चेक होती है, एक सुई नहीं ले जा सकते हैं, फिर नहीं ले जा सकते हैं, तो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आते हैं। एक ही बस की 40 जवानों से भरी गई, वो भी अलग अलग कंपनी के। मोदी जी वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अमित शाह रक्षा मंत्री, 40 में से एक परिवार के पास किसी मिलने पहुँचे। वो अभी हमारा ना रोड का ना हुआ है, ना शहीद द्वार बना हुआ है, जमीन भी नहीं, जो 5 बीघे जमीन का पट्टा होना है वो भी नहीं हुआ है हम लोगों का। जो भी सरकार ने वादे किए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। चीजों में तो हम इतने भाग भाग के नहीं, 3-4 साल से हम परेशान हो गए। हम लोग अनाथ हैं सर, सिर से छत चली गई, इतना संघर्ष कर रहे हैं, बच्चे पालने की समस्याएं हो रही हैं, पता नहीं क्या है। मतलब जांच तो करनी चाहिए सरकार को कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जनता इतनी मूर्ख कब तक रहेगी? अब जब ये GST है, महंगाई है इतनी, ये तो हमें पता ना कि सिंगल पेरेंट्स होकर 3 बच्चों का खर्चा कैसे उड़ गए। तो ये डिजिटल इंडिया नहीं बन रही है, ये गरीब इंडिया बन रही है। एक चोट भी लग जाती है तो कैसे हो गया ये?
अगर लेकिन ऐसे 40 आदमी चले जाने हमारे देश के और फिर उसकी इंक्वायरी ना होना, ये थोड़ा सा एज ए सोल्जर सच थिंग सच लॉसेस शुड नॉट हैपन। इट इज ऑब्वियस कि देयर इज सम मिस्टेक हैज हैपेंड समवेयर। अब उसको आप फेलियर का शब्द दे दीजिए या उसको दूसरा शब्द दीजिए, द फैक्ट रिमेंस दैट द इंटेलिजेंस गैदरिंग हैज नॉट बीन डन। डेफिनेटली देयर इज सम लैप्सेस। अगर लैप्सेस नहीं होती तो ये ऐसा अचानक हो जाना जो सारा कुछ बताया गया है हमको, या जो इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक में अवेलेबल है, ऐसा नहीं। हर तरह की फेलियर का एक नतीजा है कि हमारे आज 40 जवान जो शहीद हुए हैं, अगर ये सभी एजेंसियां अपने सही समय पर काम करती तो आज ये जवान हमारे बीच होते। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है वो इस बात को समझ नहीं सकते, वो दर्द को समझ नहीं सकते, हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ, मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ।